Hey, what's up, experience? मैं हूं प्रद्युम्न राय और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पर आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। अभी हालांकि आपने न्यूज सुना होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वो बैन होने की बात हो रही थी भाई, कि ये लोग बैन हो जाएंगे या फिर इनके सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ डिजिटल गाइडलाइंस थे जो आई गेस 26 फरवरी को बोले गए थे। आपको 3 महीने का समय दिया जाता है करने को, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उसके चक्कर में फिर न्यूज आती और पूरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हाहाकार मच गया था कि ये लोग बैन होने वाले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसी बीच एक मज़ेदार न्यूज निकल के आती है अपने व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप ने केस कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। अब देखते हैं कि भाई इस सारी चीज का मामला क्या है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो, सबसे पहले वीडियोस तुम्हीं को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये रहा मेरा टाइटल, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते रहिए, वहाँ पे मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का और सारे डीएम्स का मैं रिप्लाई करते रहता हूँ। चलिए अब आते हैं अपने बात पे व्हाट्सएप को लेके। तो भाई व्हाट्सएप जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से आप मान सकते हैं। और उसका अभी इंडिया में आने के बाद आपने बहुत सारी न्यूज़ सुने होंगे कि इंडिया में बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती थी व्हाट्सएप के थ्रू। बीच में कुछ मॉब लिंचिंग में लोग भी मारे गए थे, जो कि क्लेम किया गया था कि व्हाट्सएप के थ्रू ही फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट का कहना है व्हाट्सएप से कि भाई ऐसा है कि आप जो भी मैसेज आपके हैं, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें बस ये बता दो भैया, इस मैसेज का जो सर्कुलेशन है उसने स्टार्ट किया गया। स्टार्ट किसने किया? फर्स्ट सेंडर ऑफ द मैसेज या फर्स्ट सेंडर ऑफ द एनी पोस्ट या एनी जो भी कुछ भी वॉलेटिंग थिंग हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमको ये फर्स्ट वाला पर्सन जो है जिन्होंने ये पूरी खिचड़ी पकाई है उसका, अपना फॉर एग्जाम्पल मैंने किस चीज़ को कोई चीज़ तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करके उसको फॉरवर्ड की, वो वीडियो पूरे इंटरनेट पे फैल गई, तो उसको तो लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर किया है, तो वो कैसे पता करेंगे कि किसका वीडियो है? तो वही फर्स्ट मैं रहूँगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा है, जो फर्स्ट पर्सन है उसका हमें आप पता लगा बता दो कि ये कौन है। अब ऐसे में बात क्या आती है, ऐसे में बात आती है कि देखिए, एक नज़रिए से देखें तो बहुत सारे भड़काऊ चीज़ों में ये सही भी है, लेकिन दूसरे नज़रिए से अगर हम लोग बात करें प्राइवेसी वगैरह को लेके, तो भाई देखो यूजर की प्राइवेसी की यहाँ लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि व्हाट्सएप को भी पता है कि व्हाट्सएप का जो भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, अगर वो फर्स्ट सेंडर के बारे में बताने लगा और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को उसने अगर पब्लिक की दी कि भाई देखो ये हमारा ऐसे करके आप ऐसे पता कर सकते हो, जिसमें व्हाट्सएप के यूज़र की प्राइवेसी को ठेस पहुँचेगा। व्हाट्सएप इस बात को कहीं ना कहीं आराम से जानता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये चीज़ कर लेगी, लेकिन ये एक हैकर्स के लिए एक अलग ही जगह, एक अलग ही आपका सिनारियो क्रिएट हो जाएगा, जिसके थ्रू वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस चीज़ से, इस चीज़ को बाईपास करने के लिए। तो व्हाट्सएप का जो है भैया मेन, जिस बात पर हम ठोक के बोलता है कि नहीं आपका डेटा सिक्योर है, हाँ भाई एकदम आपका डेटा सिक्योर कर रहे हैं, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है भाई, उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की लग जाएगी। हालांकि अब वही बात है कि लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप आपका डेटा उठा के फेसबुक को बेच रहा है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बेच रहा है, तो उससे यूजर्स का प्राइवेसी कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट अगर ये मांग रही है तो उससे यूजर की प्राइवेसी जा रही है। लेकिन इस चीज़ पे हमें थोड़ा बैठ के विमर्श करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के दो दो पहलू हैं। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में जाती है तो यूज़र का जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकता है, लेकिन यूज़र के बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो यूज़र चाहता है कि भाई ये लोगों को पता चले। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो नहीं चाहती है भाई ऐसी चीज़ सर्कुलेट हो, या मे बी एक रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए हो। तो एक जो मीडिया का काम है या जो एक क्रिटिसिज्म का काम है वो शायद रुक सकता है, क्योंकि ये जो रूलिंग पार्टी उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो ऐसे में जब तक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तब तक आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करते रहोगे, तब तक आप एक तरीके के डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेसी आपकी कहलाएगी लेकिन रह नहीं पाएगी, क्योंकि आपका राइट जो है, बहुत सारे राइट को आगे देखिए, अभी ऐसा लगता है कि लोग बोलेंगे ठीक है, लेकिन आगे जाके वो राइट्स आपकी वायलेट हो जाएंगी। तो इस बात को बहुत सारे टेक जायंट्स भी समझते हैं, बहुत सारे लोग भी समझते हैं, ट्विटर पर इस बात को लेकर रोज़ झगड़ा होता रहता है। ट्विटर पर अगर मेरे को फॉलो नहीं करते, फॉलो कर लो यार। तो आप ज़रूर इस बात पर बताइए कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ये बोला है
कि ये करना चाहिए हाँ या ना, आप नीचे कमेंट बताइए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक रीज़न भी होना चाहिए आप लोग का जो सबसे बढ़िया रीज़न मिलेगा। हो सके तो मैं उस रीज़न को नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो कुछ ऐसे चीज़ें करें जिसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू वो यूजर्स के डेटा को, मतलब ऐसे डेटा या फिर वो कुछ ऐसे सिस्टम या ऐसे एल्गोरिदम बनाए जैसे इन चीज़ों को फिल्टर करके फिर भेजा जा सके। क्योंकि अब देखिए हमको प्रॉब्लम के साथ लड़ना भी है और ख़ुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करना, दोनों चीज़ें इस समय हम लोग को साथ में करनी है। तो वही है, अभी देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकल के आता है। हालांकि हाई कोर्ट में तो व्हाट्सएप ने केस कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो जो भी चीज़ें निकल के आएंगी हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अपने सजेशन जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और बहुत कम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं हम लोग 20 लाइक के ऊपर गया तो एक और तगड़ी वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रोज की तरह इंटरनेट पे बी से बी सिक्योर।